स्वागत करते हैं आपका एसएससी वर्ल्ड में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके आइए। उसके बाद हम बात करेंगे थॉट ऑफ जेम्स मिल फॉर एशियन सोसाइटीज। ऑलरेडी हम जेम्स मिल का प्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, उस प्रोडक्शन के साथ प्रॉब्लम क्या थी वो भी पढ़ चुके हैं। अब आता है हमारा जेम्स मिल से रिलेटेड अगला क्वेश्चन कि जेम्स मिल का थॉट क्या था एशियन सोसाइटीज का। तो जेम्स मिल का क्या मानना था, एशियन सोसाइटीज क्या है, वो लोअर सिविलाइजेशन पे हैं। किससे कंपैरिजन में, यूरोप के। सो एशियन सोसाइटीज वर एट लोअर सिविलाइजेशन इन कंपैरिजन टू यूरोप। ये इनका पहला थॉट था। दूसरा, इनका मानना था कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो इंडियन सोसाइटी है वो कास्ट टैबूज में इन्वॉल्व थी, रिलीजियस इंस्टॉलमेंट्स में इन्वॉल्व थी, सुपरस्टिशियस थिंग्स में इन्वॉल्व थी, इन सब चीजों में इन्वॉल्व थी। और ब्रिटिशर्स आए, इंडियन टेरिटरी को कब्जा किया, एनलाइनमेंट ऑफ हैप्पीनेस को स्प्रेड किया। उनका यह भी मानना था कि अगर ब्रिटिश रूल इंडिया में एस्टेब्लिश नहीं होता तो इंडियंस कभी भी डेवलप नहीं कर पाते, इंडिया हमेशा अपने डार्क साइड में होता, ना कि जो आज का इंडिया है वो होता। तो इनका सेकेंड पॉइंट जो हमारा आएगा, बिफोर द ब्रिटिश रूल इंडियन सोसाइटीज वर इंगेज इन कास्ट टैबूज, मतलब जो हमारा अपर कास्ट और लोअर कास्ट का सिस्टम चल रहा था, प्लस रिलीजियस इंटॉलरेंस, मतलब जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला चलता है, प्लस सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस। तो इन सब चीजों में हमारी सोसाइटी क्या थी, इंगेज थी। प्लस उनका क्या मानना था, विदाउट द हेल्प ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज नॉट एबल टू डेवलप। ओके, इनका मानना था बिना ब्रिटिशर्स की हेल्प पे इंडिया डेवलप नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्या था थॉट इनका, इंडिया वॉज इन डार्क साइड, इंडिया क्या था, डार्क साइड में था, अंधेरे में था, ब्रिटिशर्स हैड कॉन्कर्ड, ब्रिटिशर्स हैड कॉन्कर्ड इंडियन टेरिटरी एंड स्प्रेड इनलाइटमेंट ऑफ हैप्पीनेस। सो ये था जेम्स मिल का थॉट एशियन सोसाइटीज को लेके। आगे पढ़ेंगे पीरियडाइजेशन जरूरी क्यों है।